एक समय की बात है, कश्मीर के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था, तभी मौसम के जानकार पक्षी ने सभी को आने वाले मौसम के बारे में सूचित किया। सुनो सुनो सुनो, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ठंड पड़ने वाली है, पर इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। आप अपने अपने रहने और खाने की तैयारी कर लें। सारे पक्षियों ने सूचना पक्षी की बात को अनसुना कर दिया, पर टूना चिड़िया आने वाली ठंड को लेकर चिंता में पड़ गई। टूना अपनी पड़ोसन चिंकी कबूतरी से कहने लगी, चिंकी बहन, हमें सूचना पक्षी की बात को गंभीरता से लेनी होगी। हमें अपने अपने घोंसले पक्के कर लेने चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो टूना, हर साल की तरह उतनी ही ठंड पड़ेगी जितनी हर साल पड़ती है, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले पक्के ही हैं। तुम्हारी मर्जी चिंकी बहन, ज़्यादा ठंड पड़े या ना पड़े किसे पता, हमें बस अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए। चलो मैं तो चली अपने घोंसले को ठीक करने और थोड़ा दाना पानी इकट्ठा करने। टूना अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है और थोड़े ही दिनों में उसका घोंसला तैयार हो जाता है। चलो घोंसला तो तैयार हो गया, अब ज़्यादा ठंड भी पड़ जाए तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर टूना दाना इकट्ठा करने जंगल की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे बंटी कौवा दिखता है। अरे टूना बहन, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ बंटी भैया, सर्दियाँ आने वाली है ना कल, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। अरे टूना बहन, इसमें क्या नया है, सर्दियाँ तो हर साल आती है। हाँ बंटी भैया, मगर सूचना पक्षी ने सूचना दी है ना, इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ। तुम भी सर्दियों की तैयारी कर लो जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो बस आपको सूचित कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर टूना वहाँ से चली जाती है और शाम तक अपने लिए बहुत सारे दाने इकट्ठे करके घर लौट आती है। कई दिन बीत गए, वैसा ही हुआ जैसा सूचना पक्षी बोल कर गया था। इतनी ठंड पड़ी कि नदी का पानी जम गया, सारे पेड़ पौधे बर्फ से जम गए। टूना अपने घोंसले में बैठी थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पे बंटी कौवा आया। अरे बंटी भैया, सब ठीक है ना? इतनी रात मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम सही कह कहती थी टूना, मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस साल ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, तुम आज के लिए मुझे अपने घर में रहने दो, मैं कल ही अपना घोंसला बना लूँगा। ठीक है बंटी भैया, बस आज के लिए तुम यहाँ रह सकते हो, मगर कल तुम अपना घोंसला ठीक कर लेना। बंटी कौवा टूना के घर आ जाता है और टूना के घोंसले में आकर सो जाता है। टूना जब सो जाती है तो बंटी चुपके से टूना का खाना खाने लगता है और सारा खाना खा जाता है। सुबह होते ही टूना बंटी के उठने का इंतज़ार करती है। जैसे ही बंटी उठता है तो वो कहता है, अरे वाह टूना, तुमने तो बहुत ही अच्छा घर बना लिया है, चलो अब मैं चलता हूँ। बंटी बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है। टूना का ध्यान अपने जमा किए हुए खाने पर नहीं पड़ती और वो बाहर चली जाती है। टूना बाहर जाकर सभी पक्षियों से मिलती है। सभी पक्षी ठंड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और अपना पक्का घोंसला बनाने में लग जाते हैं। जब टूना घर वापस लौट रही थी तब उसने देखा कि बंटी कौवा अपनी मस्ती में धूप सेकता हुआ अपने घोंसले में लेटा हुआ था। टूना उसके पास जाकर कहती है, बंटी भैया, क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया? नहीं टूना, मुझे ज़रूरत नहीं, अगर कल सर्दी पड़ गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आज भी पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना देख लूँगा। टूना वहाँ से अपने घर आ गई। जब टूना घर लौटी तो उसका ध्यान अपने दानों पे गया, तो वो हैरान हो गई, आखिर उसके दाने कहाँ चले गए। वो बिना वक्त गवाए दाने की तलाश में निकल पड़ी। उधर बंटी कौवा टूना के घोंसले पर कब्जा करने की सोच रहा था, तभी उसने देखा कि टूना अपने घोंसले से निकलकर कहीं जा रही थी। टूना के जाते ही बंटी टूना के घर घुस गया और अंदर से दरवाज़ा लगाकर सो गया। टूना को लौटने में देर हो गई। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि घर अंदर से बंद है
उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ बंटी कौवा सोया हुआ था। अरे बंटी भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टूना। बंटी ने टूना की बात को नज़रअंदाज किया। टूना ने फिर आवाज़ लगाई, बंटी भैया जल्दी दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, इस कड़कड़ाती ठंड में मैं जम जाऊंगी, मुझे अंदर आने दो, हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। कौन टूना? मैं किसी टूना को नहीं जानता, मेरे घर से चली जाओ, मैं अनजान पक्षियों को मेरे घर में नहीं आने दूंगा। अरे बंटी भैया, मैं हूँ टूना, उसने आपको इतनी ठंड में एक रात अपने घर में रुकने दिया था। बंटी सब अनसुना करके सो जाता है। बेचारी टूना पेट से थी और उसके अंडे देने का वक्त भी करीब था। टूना का पेट दर्द होने लगा, तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो सोनू कबूतर के हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाए, जिससे वो ठंड से भी बच जाएगी और उसके अंडे भी सेफ रहेंगे। टूना वहाँ से हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जंगल में एक पागल हाथी ठंड के कारण पागल हो जाता है। वो एक पेड़ पर अपना सर पटकने लगता है। उस पेड़ पे टूना का घोंसला था, जिस पर बंटी कौवे ने कब्जा किया था। घोंसला हिलने लगता है। बंटी को लगता है कि भूकंप आया है। वो कुछ सोच पाता, अचानक घोंसला नीचे गिर कर टूट जाता है। बेचारे बंटी कौवे के पंख भी गिरने की वजह से टूट जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं जम जाता है। एक जंगल में टूना चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहती थी। टूना की सास टूना से बहुत दुखी थी। टूना को जब भी कहीं सेल दिखती, वो सस्ते के चक्कर में सब खरीद लाती, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। एक बार टूना बीमार होती है, डॉक्टर को दिखाने जाती है, लेकिन वहाँ से भी शॉपिंग करके आ जाती है। टूना की सास ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। एक दिन की बात है, उसके घर के बाहर बंटी कौवा आता है सर्फ बेचने। वो टूना को 1 किलो के साथ 4 किलो फ्री का ऑफर देता है और वो खुशी खुशी ले लेती है। ये देखकर टूना की सास टूना से कहती है, अरे ओ टूना, तुम सुधरती काहे नहीं हो, कितना खर्चा करती हो बिना बात के, चलो अब बाहर जाना है, जल्दी से कपड़े पहन लो। टूना जो नए कपड़े लाई थी वो निकालने लगी तो उसने देखा वो फटे हुए निकले, तो उसने सोचा जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। उसने नया वाला सर्फ का पैकेट निकाला और कपड़े धोने लगी, लेकिन उस सर्फ से उसके कपड़ों का रंग खराब हो गया। जब थोड़ी देर बाद टूना की सास आई तो उन्होंने देखा कि टूना रो रही है। फिर उसकी सास ने उसे बड़े प्यार से समझाया, अरे बिटिया, बिना ज़रूरत के सामान मुफ्त में भी मिले तो नहीं लालच करनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप सही कहती हो, मैं ही लालच में नुकसान कर बैठी और घर के पैसे बर्बाद कर दिए, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद टूना को सबक मिल गया कि लालच बुरी बला है। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस को तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी, कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली बचवारी की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा, चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है,
क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले, जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहाँ से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुँच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया, टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली, अब हम क्या करें। अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं, उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे, इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में, देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहाँ से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भाग कर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं, क्या होता अगर हम ना आ पाते, क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता। मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।